बाड़ों के जैसे जैसे परिणाम आते गए वैसे वैसे ही निकाय सदन की तस्वीर साफ होती गई। 36 पार्षद बीजेपी के विजयी रहे जबकि 4 निर्दलीय जीतकर सामने आए। अन्य पार्टियों के पार्षद गिनती में कम हो गए। इससे ये तो साफ हो गया कि देश प्रदेश और निकाय पर भाजपा ही शासन करेगी। कुछ इसी प्रशासन की मिली भगत मान रहे हैं और कुछ गड़बड़ी। बहरहाल जो भी हो, ज्यादातर बोर्डों में कमल का फूल ही खिला है। कई ऐसे भी प्रत्याशी थे जो कभी भाजपा खेमे में थे पर टिकट न मिलने पर बागी हो गए। तैयारियां जब ईवीएम में सेटिंग पहले ही हो गई तो तैयारियां तो सब तरीके रह जानी थी। क्या उम्मीदें थी आपको? हमें तो उम्मीद थी 1,00,000 से 1,10,000 के बीच में हमें वोट मिलना था। जिस तरह से आपको जनता ने प्यार दिया, क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? जनता का मैं शुक्रगुजार हूँ और जनता ने मुझे खरीद लिया है। जनता की सेवा में रात और दिन समर्पित रहूँगा। क्या क्या उम्मीदें थी जनता से कि कहाँ तक आपको ले जाए? जनता ने कोई कोर कसर से उठा के नहीं रखी। जनता ने जो प्यार फलूस से नवाजा है, मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। क्या क्या माने एक लापरवाही प्रशासन की या मिली भगत, क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, मिली भगत और अपने कांग्रेस के साथियों का और अपने छोटे भाई हाजी फरहान का मैं हमेशा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हर जगह बढ़त बनाई है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी तैयारी कर चुकी थी और उससे पहले, लेकिन मतदान से पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खौफ नज़र आया था, डर नज़र आया था, लेकिन उसका परिणाम जो निकला वो उसका उल्टा ही था। जानेंगे कि किस तरह से, क्या कोई खास तैयारी की थी, क्या कुछ खास रहा कि जो इस तरह के परिणाम सामने आए और भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह अपनी बढ़त बनाई। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि क्या रहा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है और उसका जो पूरा भी जो संगठन है वो कार्यकर्ताओं पे डिपेंड करता है और हमारा कार्यकर्ता जुझारू कार्यकर्ता होता है। हमें पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होगी। कहीं ना कहीं अगर बात करें जो मतदान से पहले का जो सिलसिला था, जो दौर था, वो कहीं ना कहीं घबराहट पैदा करने वाला था क्या? नहीं, हमें कहीं घबराहट महसूस नहीं हुई, हमारे ना किसी प्रत्याशी को और ना जो है हमारे कार्यकर्ताओं को कोई घबराहट महसूस नहीं हुई। बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार अपने प्रत्याशी उतारे थे, कहीं ना कहीं जो भी वोट था, जितना वोट था, ज़्यादा से ज़्यादा वोट उसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो भाजपा का वोट था उस पर भी कब्जा किया, उसका कितना फर्क? थोड़ा बहुत अगर बसपा के जो हमारे जो परंपरागत वोट थे जैसे सैनी समाज का वोट, वो थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि सीटों पे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा हो, उसकी वजह से हमें थोड़ा सा नुकसान हुआ, नहीं तो और प्रचंड बहुमत से विजय होते हम। अच्छा, अगर बात करें GST या नोटबंदी, इसका कहीं इस चुनाव पर फर्क पड़ा? नहीं, कोई असर कहीं इसका दिखाई नहीं दिया और ये तो एक अच्छी पहल है जिसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। काम आसान होता जा रहा आगे भी, और भाजपा का वोटर जो है साइलेंट वोटर है, तो वो साइलेंट होकर वोट करता है, ना कि हो हल्ला करके। तो ये हमें पहले से ही महसूस था कि हम जीतेंगे। अगर बात करें 2019 के चुनाव की, क्या मान के चल रहे हैं? 2019 में भी लहर रहेगी मोदी जी की? इसे भी लहर माने? ये भी लहर है, ये भी मोदी जी की लहर है। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी लहर के चलते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हर जगह बढ़त बनाई है। देखना होगा कि ये लहर आगे कितनी जारी रहती है। अपने सहयोगी के साथ अंकित चौहान, पब्लिक TV इंडिया, मुरादाबाद।